वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल इंफिनिटी मैथ पॉइंट। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे जितने भी लेटेस्ट वीडियो आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो आइए देखते हैं, आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 पॉलीनोमियल की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं। एग्जांपल नंबर 9 डिस्कस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इस एक्सरसाइज 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो इसी एग्जांपल पे बेस्ड है। ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए आइए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 9 है, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ 2x टू द पावर ऑफ 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। इफ यू नो दैट टू ऑफ इट्स जीरोस आर रूट 2 एंड माइनस रूट 2। क्वेश्चन ये है सिंपल कि आपको फाइंड ऑल द जीरोस, सभी जीरोस फाइंड करने हैं, किस क्वाड्रेटिक किस पॉलीनोमियल के, 2x टू द पावर ऑफ 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के। ठीक है, अभी कौन सा पॉलीनोमियल है, इसकी पावर 4 है, पावर 4 है, इट मींस व्हाट, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये बाई क्वाड्रेटिक है, जिसकी पावर 4 होती है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 4 होती है उसको हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बोलते हैं। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल अगर ये है तो इसके टोटल जीरोस कितने आएंगे, 4 जीरोस आएंगे। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है तो 2 जीरोस आते हैं, क्यूबिक है तो 3 जीरोस आते हैं, और अगर ये बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 जीरोस आएंगे। ठीक है, जिसमें से यू नो दैट टू ऑफ इट्स जीरोस, ठीक है, 2 जीरोस आपको गिवन है, एक है रूट 2 और एक है माइनस रूट 2। अगर 4 जीरोस है और आपको 2 जीरोस गिवन है तो आपको 2 जीरोस और फाइंड करना होंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं। देखिए इफ सॉल्यूशन देखते हैं, इफ रूट 2 एंड माइनस रूट 2 आर द जीरोस ऑफ गिवन पॉलीनोमियल देयरफोर अब देखिए, अगर ये प्लस रूट 2 है और ये माइनस रूट 2 है तो इसके फैक्टराइजेशन क्या बनेंगे, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे इस गिवन पॉलीनोमियल के। देखिए, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, एक्स माइनस रूट 2, और इसको मैं लिख सकता हूं एक्स प्लस रूट 2। बताइए क्यों, क्योंकि अगर मैं एक्स माइनस रूट 2 इक्वल टू 0 रखूंगा तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट 2, और अगर एक बार एक्स प्लस रूट 2 इक्वल टू 0 रखूंगा तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस रूट 2। इट मीन हम बोल सकते हैं कि अगर इफ रूट 2 एंड माइनस रूट 2 आर द जीरोस ऑफ गिवन पॉलीनोमियल, देयरफॉर एक्स माइनस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलीनोमियल। ठीक है, हम मैंने ऐसा क्यों लिखा, देखिए एक्स माइनस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2 मैं लिख सकता हूं। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी बन गई, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर, और रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देगी, ये लिखो या फिर ये लिखो, बात है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि रूट 2 एंड माइनस रूट 2 आर द जीरोस ऑफ गिवन पॉलीनोमियल, देयरफॉर एक्स माइनस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलीनोमियल। ठीक, अगर ये इसके जीरोस है मतलब हम बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 क्या है, इसका फैक्टर है, और अगर ये इसका फैक्टर है मतलब इससे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे गिवन पॉलीनोमियल को तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो देखिए हम पहले डिवाइड करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x
माइनस टू को डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस टू से, ठीक है। अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस टू से इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, देखिए आइए देखते हैं, हमारे पास एक्स स्क्वायर है, हमें क्या चाहिए टू एक्स टू दी पावर ऑफ फोर, तो बताइए टू एक्स टू दी पावर ऑफ फोर में किसका मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई करेंगे टू एक्स टू दी पावर ऑफ फोर मिल जाए, सिंपल सी बात है, बताइए टू एक्स टू दी पावर ऑफ फोर में एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या टू एक्स स्क्वायर, तो क्या जाएगा टू एक्स टू दी पावर ऑफ फोर। अब बताइए इस टू एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस टू के साथ, ठीक ये जो क्वेश्चन आया इसका इस वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए ये प्लस माइनस माइनस टू एक्स स्क्वायर में टू का तो टू टू सा फोर एक्स स्क्वायर, फोर एक्स स्क्वायर कहां लिखेंगे देखिए स्क्वायर वाले टर्म के नीचे फोर एक्स स्क्वायर, ठीक है साइन चेंज करेंगे ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगा नाउ माइनस थ्री एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स क्यूब। अब बताइए ये माइनस है ये क्या है प्लस है, माइनस प्लस माइनस मतलब फोर में से थ्री जाएगा तो वन एक्स स्क्वायर, वन एक्स स्क्वायर को आप एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, साइन प्लस आएगा क्योंकि फोर बड़ा है, ठीक है ऊपर से हमने लगा सिक्स एक्स माइनस टू, अगर वही कहानी हमें चाहिए माइनस थ्री एक्स क्यूब और आपके पास है एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई करेगा माइनस थ्री एक्स क्यूब आ जाए, तो सिंपल सी बात है माइनस थ्री एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से क्या कर लीजिए डिवाइड कर लीजिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल इट मीन माइनस थ्री एक्स, एक एक्स बचेगा माइनस थ्री एक्स तो क्या आ जाएगा माइनस थ्री एक्स क्यूब। अब बताइए माइनस थ्री एक्स का मल्टीप्लाई माइनस टू के साथ माइनस माइनस प्लस थ्री टू जा सिक्स एक्स प्लस सिक्स एक्स, देखिए ये साइन चेंज किया प्लस हो गया माइनस है तो ये प्लस है तो माइनस हो गया ये कैंसल प्लस माइनस कैंसल ऊपर से बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस टू। अब बताइए हमें क्या चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर चाहिए और आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर, तो बताइए एक्स स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर मिल जाए सिंपल सी बात है वन का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है क्योंकि एक्स स्क्वायर में वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा वही वाले टर्म तो एक्स स्क्वायर नाउ इस प्लस वन का मल्टीप्लाई माइनस टू के साथ तो क्या आ जाएगा माइनस टू, देखिए साइन चेंज करेंगे ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा ये आपस में कैंसिल मीन्स ये व्हाट रिमाइंडर क्या आ गया जीरो आ गया मतलब ये इसका क्या है फैक्टर है, ठीक है अभी क्वेश्चन खत्म नहीं होता है। अब देखिए क्या करना है ये जो क्वेश्चन आया इसको हमें क्या करना है इसके जीरो साइन करना है, ठीक है ये जहां जो क्वेश्चन आया इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे और इसके जीरो साइन करेंगे तो देखिए क्या होता है ये हमने लिखा है यहां पर टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन, बताइए इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे आप और जीरो से निकालेंगे वही वाली मेथड वन का मल्टीप्लाई टू में तो क्या आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर, ठीक है टू एक्स स्क्वायर नाउ हमें इस माइनस थ्री एक्स को दो पार्ट में डिवाइड करना है स्प्लिट करना है ताकि उन दोनों नंबर को प्लस माइनस करने पे थ्री एक्स आ जाए माइनस का और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए टू एक्स स्क्वायर, मैंने आपको सिखाया है, ठीक है तो देखिए क्या करेंगे हम इस टू को क्या कर लेते हैं फैक्टराइज कर लेते हैं तो कौन कौन से दो नंबर मिले देखो एक तो ये टू और एक इसको लेंगे वन, ठीक है अगर सिंगल नंबर है तो इसको लेंगे टू और वन क्या हो जाएगा थ्री और टू में वन का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा टू बट साइन कौन से लेना है तो देखिए फर्स्ट एज इट इज ये टू और ये वन अगर इन दोनों को प्लस करना है तो क्या करना पड़ेगा जल्दी से बताइए दोनों प्लस के लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी हम क्या करेंगे दोनों क्या लेंगे माइनस के लेंगे क्यों माइनस के लिए देखो माइनस माइनस प्लस टू और वन थ्री और थ्री भी हमें कौन सा चाहिए नेगेटिव ठीक है तो माइनस का साइन लग जाएगा देखिए माइनस टू माइनस वन दिया हमने तो बताइए माइनस माइनस प्लस तो टू और वन थ्री और ग्रेटर नंबर का साइन हो जाएगा माइनस थ्री अगर आप प्लस टू और प्लस वन लेते तो देखिए क्या आता प्लस का थ्री आता लेकिन हमें प्लस का थ्री नहीं चाहिए हमें कौन सा चाहिए माइनस का थ्री इसके दोनों नंबर नेगेटिव ठीक है इसकी प्लेस पे दोनों नंबर लिखे लास्ट वन एज इट इज
नाउ इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन बताइए, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? एक तो टू भी आ सकता है, एक एक्स आएगा। देखिए टू एक्स कॉमन लिया, क्या क्या बचा? एक एक्स बचा, माइनस यहाँ क्या बचा? वन बचा, क्योंकि टू एक्स पूरा बाहर गया तो क्या बचा? वन। इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है? एक्स नहीं आ सकता, वन आ सकता है, वो भी कौन सा? माइनस वन, क्योंकि साइन माइनस है। अब बताइए यहाँ क्या बचा? एक्स माइनस वन। ये माइनस वन क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ ब्रैकेट में, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है? एक बार जो ब्रैकेट के बाहर है वो, एक बार जो ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर है टू एक्स माइनस वन, तो एक बार जो ब्रैकेट के अंदर है वो एक्स माइनस वन। तो एक बार इसको इक्वल टू जीरो रखेंगे, टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, देन टू एक्स इक्वल टू प्लस वन, माइनस वन इधर आया तो प्लस वन, देन एक्स इक्वल टू वन, वन अपॉन टू। एक बार एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो रखेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या जाएगा? वन। तो देखिए एक्स की दो वैल्यू है, एक वन अपॉन टू और एक वन, ठीक है। आपको सभी जीरो साइड करने के लिए बोला गया था। तो देखो दो जीरो आपको गिवन थे, कौन कौन से? एक रूट टू और एक माइनस टू रूट टू, और एक आ गया आपके पास थर्ड वन अपॉन टू, और एक फोर्थ आ गया वन, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं रूट टू कोमा माइनस रूट टू कोमा वन अपॉन टू एंड वन आर द जीरो ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। मेरे पास यहाँ पे प्लेस नहीं है, जगह नहीं है, इसलिए मैं बोल देता हूं बहुत ही इजी लैंग्वेज में, रूट टू माइनस रूट टू वन अपॉन टू एंड वन आर द जीरो ऑफ टू एक्स टू द पावर फोर माइनस थ्री एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस टू। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, क्या करना है एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं मैं। दो जीरो आपको गिवन था, ठीक है, अगर प्लस है तो एक्स के साथ उसे माइनस में लिख लीजिए, और अगर माइनस है तो एक्स के साथ उसको प्लस में लिख लीजिए, जैसे अपन जीरो निकालते थे यहां निकाला जैसे, ठीक है। जैसे एक्स माइनस, अगर एक्स की वैल्यू वन होती तो हम इसको क्या लिखते हैं? एक्स माइनस वन। हमारे पास एक्स की वैल्यू रूट टू है तो हम क्या लिखेंगे? एक्स माइनस रूट टू। अगर माइनस रूट टू है तो एक्स प्लस रूट टू, ठीक है। उसके बाद क्या करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए और एक पॉलीनोमियल बना लीजिए, उस पॉलीनोमियल से गिवन पॉलीनोमियल को डिवाइड कर दीजिए, जो क्वेश्चन आया ना उसको क्या कर दीजिए? इमीडिएट टर्म स्प्लिट कर दीजिए, और वहां से जो आपको जीरोस मिलेंगे वही आपके जीरोस होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड ऑल द जीरोस, ऑल द जीरोस मतलब ऑल फोर जीरोस, क्योंकि अगर बाय क्वाड्रेटिक है तो फोर जीरोस आएंगे, इसमें से दो आपको गिवन थे, दो हमने फाइंड कर लिए, ठीक है। आप चाहे तो इसे नोट कर लीजिए, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, नोट इट डाउन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, बहुत ही इजी है, उसी एग्जांपल पर बेस्ड है। ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर अंडर रूट 5 अपॉन 3 एंड माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 3, ठीक। सिंपल सी बात है, ऑब्टेन ऑल द जीरोस, सभी जीरोस फाइंड करना है। अब बताइए मुझे, अगर पावर 4 है मतलब ये कौन सा पॉलीनोमियल है? हाईएस्ट डिग्री अगर 4 है तो बाय क्वाड्रेटिक है, और अगर ये बाय क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है तो इससे कितने जीरोस आएंगे? 4 जीरोस आएंगे, और अगर इसके 4 जीरोस आएंगे तो आपको दो जीरोस गिवन है, टू ऑफ इट्स जीरोस आर दीस एंड दीस, दो जीरोस आपको गिवन है, दो आपको फाइंड करना है। तो वही कहानी जो हमने एग्जाम्पल में किया था, देखिए इफ सॉल्यूशन देखते हैं, इफ रूट 5 अपॉन 3 एंड माइनस रूट 5 अपॉन 3 आर द जीरोस ऑफ, आर द जीरोस ऑफ गिवन पॉलीनोमियल, गिवन पॉलीनोमियल देयरफॉर व्हाट क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर एक्स माइनस रूट 5 अपॉन 3, अगर ये प्लस में तो इसको माइनस में लिख लेंगे, और अगर ये माइनस में तो इसको प्लस में लिख लेंगे, ठीक। एक्स माइनस रूट 5 अपॉन 3 इंटू एक्स प्लस रूट 5 अपॉन 3, और हम चाहे तो क्या कर सकते हैं? इन दोनों का मल्टीप्लाई और सिंगल पॉलीनोमियल बना लेंगे। तो देखिए ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? एक्स स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, और रूट 5 अपॉन 3 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 5 अपॉन 3, ठीक है। हाँ, और एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3 इज अ फैक्टर ऑफ
बोल सकते हैं कि इसका फैक्टर इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलीनोमियल पॉलीनोमियल। ठीक है, एक और इसी चीज बता देता हूं आपको, अगर आपके पास फ्रैक्शन ना आ गए तो इसको भी आप सिंपली सोल्व कर लीजिए। कैसे देखिए मैं बता रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव अपॉन थ्री इक्वल टू जीरो रख दीजिए। ठीक है, अगर यहाँ पर फ्रैक्शन में आ गया है तो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे वाले पहले वाले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस टू था तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्या फ्रैक्शन है तो आप क्या रख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस फाइव अपॉन थ्री इसी को इक्वल टू जीरो रख दीजिए। अब बताइए मुझे यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव। कैसे हो जाएगा, वन का टेबल में थ्री थ्री टाइम आएगा, थ्री का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे थ्री एक्स स्क्वायर माइनस माइनस थ्री के टेबल में थ्री वन टाइम, वन का मल्टीप्लाई फाइव में करेंगे तो फाइव इक्वल टू जीरो। अब बताइए ये थ्री इधर डिवाइड में इधर आया तो मल्टीप्लाई में, अगर ये मल्टीप्लाई में आया तो जीरो मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज जीरो, क्या बचेगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव। ठीक है, तो आप चाहे तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे हम थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव से, तो कर दीजिए बहुत ही इजी है। देखिए थ्री एक्स टू दी पावर फोर प्लस सिक्स एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस फाइव। देखिए हम इससे डिवाइड कर रहे हैं थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव से। ठीक है, अब बताइए मुझे आपको क्या चाहिए, थ्री एक्स टू दी पावर फोर आपके पास क्या है थ्री एक्स स्क्वायर, तो बताइए थ्री एक्स स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई करेंगे थ्री एक्स टू द पावर फोर मिल जाए। सिंपल सी बात है, थ्री एक्स टू द पावर फोर को थ्री एक्स स्क्वायर से क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए, थ्री से थ्री कैंसल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल, एक्स स्क्वायर बचेगा। देखिए लिखा मैंने एक्स स्क्वायर तो क्या मिल जाएगा थ्री एक्स टू द पावर फोर। अब बताइए इस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस फाइव में तो क्या हो जाएगा माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर वाला स्क्वायर के नीचे। अब मैं थोड़ा सा फास्ट करने वाला हूं, देखिए ये माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, ये कैंसल। ठीक है, अब मुझे ये बताइए ये प्लस का फाइव और ये माइनस का टू, प्लस माइनस माइनस। अच्छा ऊपर से हमने लिख लिया सिक्स एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस, फाइव में से टू गया थ्री, थ्री एक्स स्क्वायर वो भी पॉजिटिव क्योंकि फाइव क्या है पॉजिटिव है, माइनस टेन एक्स माइनस फाइव। नाउ अगेन वही कहानी, हमें चाहिए सिक्स एक्स क्यूब, आपके पास है थ्री एक्स स्क्वायर, सिक्स एक्स क्यूब चाहिए तो थ्री एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, थ्री टू जा एक्स स्क्वायर से एक एक्स गया तो देखिए क्या बचेगा टू और एक सिंगल एक्स बचेगा टू एक्स, वो भी कौन सा प्लस का टू एक्स, ये लिखा मैंने प्लस का टू एक्स तो आ जाएगा सिक्स एक्स क्यूब। अब बताइए प्लस टू एक्स का मल्टीप्लाई माइनस फाइव के साथ कितना आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, टू फाइव जा टेन एक्स माइनस टेन एक्स। अब बताइए मुझे ये माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, ये आपस में कैंसिल, ये भी कैंसिल, अब बचेगा क्या थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री माइनस फाइव। बताइए हमें चाहिए थ्री एक्स स्क्वायर, आपके पास क्या है थ्री एक्स स्क्वायर, बताइए थ्री एक्स स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई करेंगे थ्री एक्स स्क्वायर आ जाए वन का, ये लिखा मैंने वन तो क्या आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर। नाउ प्लस वन का मल्टीप्लाई माइनस फाइव के साथ माइनस फाइव, साइन चेंज के लिए माइनस हो जाएगा फिर ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये सब कैंसिल, डिनोमिनेटर क्या है जीरो। ठीक है, मतलब ये इसका फैक्टर है, कौन फैक्टर है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव फैक्टर है किसका इस गिवन पॉलीनोमियल का। हमारा क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं होता है, ये जो क्वेश्चन आया इसको हमें क्या करना है मीडियल टर्म स्प्लिट करना है, तो देखिए यहाँ पे जरा कैसे करते हैं अपन, ये लिखा मैंने एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। ठीक है, टू एक्स को स्प्लिट करना है दो पार्ट में और दो पार्ट में इस तरीके से करना है कि प्लस माइनस करने पर टू आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए वन आए, तो सिंपल सी बात है देखो बहुत इजी, एक्स स्क्वायर टू एक्स को मैं लिख सकता हूँ वन एक्स प्लस वन एक्स कितना हो जाएगा टू एक्स और वन में वन का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा वन आ जाएगा। देखिए हमें क्या चाहिए था वन एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई वन एक्स स्क्वायर चाहिए था मल्टीप्लाई करने और प्लस माइनस करने पर टू एक्स चाहिए था, तो मैंने क्या किया इस टू एक्स को वन एक्स में ब्रेक कर दिया प्लस वन। ठीक है, आप चाहो तो इसके आगे वन एक्स लिख लीजिए इसके आगे वन एक्स लिख लीजिए। ठीक है, दोनों का अगर मैं प्लस करूंगा तो टू एक्स आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो वन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब बताइए यहाँ से कॉमन यहाँ से कॉमन इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा एक्स, तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस वन क्योंकि एक्स बाहर का वन बचा, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा वन, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स प्लस
वन, क्योंकि वन का मल्टीप्लाई वन में करेंगे क्या है वन, या फिर जो यहाँ ब्रेकेट में आया वो यहाँ ब्रेकेट में, तो एक बार जो ब्रेकेट के बाहर है वो एक बार जो ब्रेकेट के अंदर है, ब्रेकेट के बाहर एक्स प्लस वन है, एक्स प्लस वन, ब्रेकेट के अंदर क्या है एक्स प्लस वन, सिंपल सी बात है। एक बार x प्लस वन इक्वल टू जीरो होंगे तो x इक्वल टू क्या जाएगा माइनस वन, और एक बार इसको x प्लस वन इक्वल टू जीरो होंगे तो x इक्वल टू क्या जाएगा माइनस वन, तो ये दो जीरो साथ में आ गए। ठीक है, मैं बोल सकता हूं व्हाट रूट फाइव अपॉन थ्री कोमा माइनस रूट फाइव अपॉन थ्री कोमा माइनस वन एंड माइनस वन आर द जीरो ऑफ 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5। ठीक है, कुछ नहीं किया आपने, बहुत इजी है। हमने क्या किया, अगर प्लस वाला है तो x साथ माइनस लिखा, माइनस वाला है तो प्लस के साथ लिखा, दोनों का मल्टीप्लाई किया, जो भी टर्म है उसी से हमने गिवन पॉलीनोमियल को डिवाइड कर दिया, जो कोशेंट आया उसको स्प्लिट किया और दो जीरोस फाइंड कर लिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, नोट इट डाउन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू बाय अ पॉलीनोमियल जी ऑफ एक्स, कोई भी पॉलीनोमियल गिवन है आपको उसको डिवाइड करना है किससे, जी ऑफ एक्स से। हमें नहीं पता जी ऑफ एक्स क्या है, लेकिन उससे क्या करना है डिवाइड करना है, किसको, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू को। The quotient and remainder were x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively। आपको quotient और remainder given है, ठीक है, आपको find करना है, find g of x। ठीक है, सिंपल सी बात है, किसी g of x से इस polynomial को divide करना है तो क्या आएगा, quotient और remainder आपको given है, आपको g of x निकालना है। ठीक है, तो बहुत ही इजी है, हमने एक डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा था। ठीक है, हम पहले देख लेते हैं कि हमारे पास p ऑफ x क्या है। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन, देखिए ठीक सॉल्यूशन बाय डिवीजन एल्गोरिथम, क्या होती है डिवीजन एल्गोरिथम, हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था व्हाट p ऑफ x इक्वल्स टू व्हाट g of x into q of x plus r of x, सिंपल सी बात, p of x किसके इक्वल होता है, g of x into q of x plus r x। आपके पास क्या गिवन है, देखो p of x गिवन है, कितना गिवन है, x cube minus 3x square plus x plus 2, g of x फाइंड करना है, q of x गिवन, क्वेश्चन कितना गिवन x माइनस टू, और r ऑफ x भी गिवन है कितना माइनस टू एक्स प्लस फोर। ठीक है, देखिए यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं, बहुत ही इजी है, देखिए मैं लिख रहा हूं यहां पे p ऑफ x कितना गिवन है, x क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू g ऑफ x नहीं पता इंटू क्यू ऑफ एक्स एक्स माइनस टू प्लस आर ऑफ एक्स माइनस टू एक्स प्लस फोर। ठीक है, माइनस टू एक्स प्लस फोर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए हमें जी ऑफ एक्स निकालना है, पहले ये जो प्लस में है ये उधर जाएगा तो माइनस में, तो देखिए क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, ये उस साइड के अंदर देखिए ये माइनस माइनस टू एक्स प्लस फोर इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस टू, ये जो प्लस में था उस साइड में गया तो माइनस। ठीक है, नाउ एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर किया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस टू एक्स, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस फोर में होगा तो माइनस फोर इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस टू। ठीक है, अब देखिए यहां पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, एक्स क्यूब एज इट इज माइनस थ्री एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस टू एक्स प्लस वन एक्स प्लस थ्री एक्स, ठीक है,
-4 + 2 -2 ठीक है, क्या हो जाएगा प्लस माइनस, माइनस फोर में टू गया तो टू ग्रेटर नंबर का साइन आ जाएगा, इक्वल टू जी ऑफ एक्स और ये एक्स माइनस टू इसके साथ मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में, तो कहा आ जाएगा ये इसके डिवाइड में। तो अगर आपको जी ऑफ एक्स फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू को डिवाइड कर दीजिए किससे, एक्स माइनस टू से। देखते हैं डिवाइड करते हैं, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू को डिवाइड करना है एक्स माइनस टू से। बताइए आपको क्या चाहिए, एक्स क्यूब आपके पास क्या है, एक्स है, तो एक्स में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब आ जाए, सिंपल सी बात है एक्स स्क्वायर का, ये लिखा एक्स स्क्वायर तो आ जाएगा एक्स क्यूब। नाउ इस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस टू के साथ, तो माइनस टू एक्स स्क्वायर, माइनस टू एक्स स्क्वायर साइन चेंज के लिए माइनस हुआ, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस कैंसिल, या देखिए माइनस का और ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस थ्री में से तो हो गया वन एक्स स्क्वायर, वो भी कौन सा माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर कौन सा है माइनस है, प्लस थ्री एक्स माइनस टू एज इट इज। अब बताइए मेरे पास एक्स है ठीक है, मुझे क्या चाहिए माइनस वन एक्स स्क्वायर, या फिर वन को हटा दीजिए दो मिनट के लिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स है एक्स में किसका मल्टीप्लाई करके माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, सिंपल सी बात है माइनस एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर लीजिए एक्स 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 तो माइनस एक्स बचेगा, माइनस एक्स बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ माइनस एक्स का मल्टीप्लाई माइनस टू के साथ, तो माइनस माइनस प्लस, एक्स में टू का मल्टीप्लाई टू एक्स। अब देखिए ये साइन चेंज हुआ, ये साइन चेंज हुआ, ये कैंसिल हुआ, प्लस माइनस माइनस थ्री में टू गया तो वन, वो भी वन एक्स ठीक है, पॉजिटिव क्योंकि बड़ा नंबर प्लस है, ये माइनस टू। अब बताइए इस एक्स में किसका मल्टीप्लाई करें कि एक्स आ जाए वन का, वन ये आ जाएगा एक्स। नौ प्लस वन का मल्टीप्लाई माइनस टू के साथ माइनस टू, साइन चेंज ये माइनस ये प्लस दोनों कैंसिल, तो आपका जी ऑफ एक्स क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, दिस इज योर आंसर ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत ही इजी है, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाए तो डिविजन एल्गोरिथम का यूज करना है, जो जो वैल्यू आपको गिवन है पुट कर दीजिए, जो फाइंड करना है वो ऑटोमेटिक निकल आएगा ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन है लेकिन आई होप आप कर लेंगे, नोट इट डाउन।